कंडक्टर क्या होते हैं? जिसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। अच्छा, कंडक्टर के अंदर बाय नेचुरल जो है ना, कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती, वो किसी भी दूसरी चीज को चिपकाता नहीं है। कोई आपने देखा है कोई एक मेटल दूसरे मेटल को चिपकाता हो? नहीं, सिर्फ मैग्नेट ही मेटल को चिपकाता है। तो हमने पढ़ रखा है कि किसी भी नॉन मैग्नेट को मैग्नेट बनाया जा सकता है। किस तरह? अगर उसके अंदर से हम करंट पास करवाएं ना, तो वो जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करने लग जाता है। ठीक है, वो जो कंडक्टर है कोई सा भी, अभी मेरे पास यहाँ पर कंडक्टर है एक, ये किल, अभी क्या है कंडक्टर, अगर मैं इसमें से करंट पास करवाऊंगा ना, तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, मीन्स ये दूसरे छोटे छोटे मेटल्स को चिपकाना शुरू कर देगा, अट्रैक्ट करेगा। देखें, ये मेरा ये कील है यानी कंडक्टर, और ये क्या है? कॉपर वायर। मैं इसको इसके ऊपर फोल्ड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसमें से करंट पास करवाना है, कंडक्टर में से करंट पास करवाना है। तो मैं इसको इस पर फोल्ड करता हूँ। ये देखें बेटा, ये कंप्लीटली मैंने इस पर फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसका एक टर्मिनल अगर पॉजिटिव से कनेक्ट करूं और दूसरा नेगेटिव से, इसमें से करंट पास हो जाएगा? ये देखें, एक सेल की तरफ मैंने इसको पॉजिटिव दिया और दूसरी तरफ मैंने इसको नेगेटिव दिया। ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव दिया, एक तरफ नेगेटिव दिया, अब इसमें से करंट पास होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर है कुछ, बिठा देना, हमारे पास यहाँ पर है कुछ छोटे छोटे मेटल के पीस, यानी कि नट और स्क्रू। देखना, ये इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। देखो, यानी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास हुई है ना, देखिए इसने अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करना शुरू कर दी। मैं दूसरा उठाता हूं, ये देखें बेटा, समझ आ रही है बात? देखिए, कोई भी कंडक्टर हो, उसके अंदर से जैसे ही करंट पास होएगा, जैसे ही करंट पास होगा, वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करने लग जाएगा, जस्ट लाइक दिस। हालांकि कोई भी मेटल दूसरे मेटल को अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन अगर कोई मेटल कंडक्टर है और उसमें से करंट पास होता है, तो वो दूसरे छोटे छोटे जो मेटल्स होते हैं ना, उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ये देखें, ठीक है, हालांकि इसको इसे अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मेटल में से, इस कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है रिजल्ट में?